क्या कभी छोटे वाले बैगन आपने इस तरीके से बनाए हैं? और अगर नहीं बनाए तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करना, आप बार बार बनाओगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ मैंने ना 500 ग्राम छोटे वाले बैगन ले लिए जो छुटुक पुटुक आते हैं वो, और उनको ना बीच से चार पार्ट में डिवाइड किया है। उन्हें डंठल से अलग नहीं करना है, बस इस तरीके से कट कर लीजिए और चेक कर लीजिए अंदर कीड़ा तो नहीं है। तो मैंने सारे बैगन इसी तरीके से कट कर लिए थे फटाफट। और इस रेसिपी की बेस्ट पार्ट यही है कि सब्जी काटने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून तेल डाल दिया है, कुकिंग ऑयल डाल दीजिए और ये सारे बैगन ना तेल में डायरेक्टली डाल दीजिए। और ध्यान रखिएगा ये बहुत ज़्यादा उड़ता है, फटाफट आपको डाल के कढ़ाई को ढक देना है, अदरवाइज आपको तेल लग सकता है। थोड़ी देर बाद इसे आपको घुमाना है, मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है। तो बैगन को करीबन मैंने 1 से 2 मिनट पकाया था, तो कुछ इस तरीके के बैगन हो जाएंगे। आपको ना 30% ही बैगन कुक करने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। तो इस तरीके के बैगन हो चुके हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है यार इस टाइम पे बाय गॉड। तो बस अब गैस को बंद कर दीजिए या फिर तेल में से ना बैगन को निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारे बैगन निकाल दिए हैं और ये रहे हमारे फ्राई किए हुए बैगन। अब चलते हैं मसाला रेडी करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लहसुन ले लिए है, थोड़ा सा अदरक डाल के अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी कर लेंगे। मैं हर खाने में ना अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रेश ही बनाती हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 2 प्याज ली है, इसे बारीक कट कर लेंगे। थोड़ा सा और तेल डालना पड़ेगा जो तेल रह गया था कढ़ाई में। तो यहाँ मैंने सरसों का तेल डाला है 1 टेबलस्पून, 2 तेजपत्ता डाले हैं, 1 इलायची डाली है और थोड़ा सा जीरा डाल के चटकने देंगे। और फिर यहाँ पे बारीक कटी हुई प्याज मैंने सारी डाल दी है, मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। और ना प्याज थोड़ी सी पकानी है, 1-2 मिनट पकाने के बाद इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा, हल्का ब्राउन। जब तक प्याज पक रही है 2 टमाटर को ना बारीक कट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी थोड़ी देर पकने देंगे जब तक हल्का ब्राउन नहीं हो जाता और अदरक लहसुन अच्छे से पक नहीं जाता। उसके बाद मैंने यहाँ पे बारीक कटे हुए टमाटर डाल दिया। अब बारी है मसाले डालने की। तो सबसे पहले इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, नमक स्वाद अनुसार डालें। फिर हल्दी डाली है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और लाल मिर्च अपने हिसाब से डाल दीजिए। थोड़ा सा धनिया पाउडर है, थोड़ा सा जीरा पाउडर है और आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, वो मैंने नहीं डाली इसमें। और अच्छे से मिक्स करके इसे 2 से 3 मिनट या फिर थोड़ा ज़्यादा पकाना है, जब तक टमाटर अच्छे से गल जाएंगे और तेल ऊपर नहीं आ जाता तब तक। पकने के बाद इसमें मैंने डाल दिए है ये बैगन। बैगन डालने के बाद ना आपको काफ़ी अच्छे से ये चीज़ें मिक्स करनी है, मसाला अच्छे से कोट हो जाना चाहिए बैगन में। और ना आप ऐसे ड्राई भी सर्व कर सकते हो, लेकिन बैगन को आपको पकाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं हल्की सी ग्रेवी बनाऊंगी, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 1/2 कप पानी डाल दिया है और मीडियम फ्लेम पे इसे हमें ढक के पकाना है 15 मिनट जितना। और तब तक ना जो बैगन है वो काफ़ी अच्छे से पक जाएंगे, अंदर तक नरम हो जाएंगे डंठल की साइड से भी। तो यहाँ ढक के मैंने 15 मिनट पका दिया है, उसके बाद देख लीजिए तेल भी ऊपर आ चुका है। और अब इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट जाएगा जो कि है गरम मसाला, हमने पहले नहीं डाला था, एंड में डाल रही हूँ मैं। और बस इसे 1-2 मिनट पका के फिर गैस को कर देंगे बंद और ये हमारा बैगन की सब्जी बनके तैयार है, जो कि काफ़ी यूनिक स्टाइल में बनाई है मैंने। आप इस सब्जी को लंच में बना सकते हो, डिनर में बना सकते हो, साथ में पराठा ले सकते हो। मैंने लंच में ना इसे घी वाली रोटी के साथ सर्व किया था, साथ में दही था और छाछ भी थी क्योंकि गर्मी आ चुकी है। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।